शर्क औसत की का दूत था, वो लिखते भी उसी स्याही से थे, उनकी स्याही स्याही नहीं थी, सफ़ेद थी, और उससे वो लिखते थे और बड़ा खूबसूरत लिखते थे। मेरे ख्याल में आपका ये सवाल मैं इसलिए इस सवाल का जवाब दिए बगैर आपसे ये कह रहा हूँ कि वो अपनी मिसाल आप थे, ना उन जैसा कोई उनके ज़माने में था, ना उनसे पहले कोई था। चूँकि वजह क्या है, इतने इल्म कलाम के बड़े बड़े नाम कहाँ जमा हुए होंगे किसी ऐसे शख्स में जो शायरी करने चला हो। शिबली में हो सकते थे, मौलाना अब्दुलसलाम नदवी में हो सकते थे, बाज देवबंद और नदवा के असाज़ा में हो सकते थे, लेकिन वो शायर नहीं थे। ये शायर भी थे और पूरी तैयारी इनके यहाँ, मैं तो ये कहूँगा कि किसी मज़हबी फिक्र के, बल्कि कैसी फिक्र के, फरंग महल की। लेकिन मज़हबी मदारिस में भी फ़र्क है, एक फरंगी महल है, एक देवबंद है। फरंगी महल का मतलब यह है कि यहाँ अदब और फ़लसफ़ा ज़्यादा होगा, देवबंद का मतलब यह है कि यहाँ कम होगा। इस फ़र्क के साथ मदारिस होते थे। तो ये वो उस मदरसा फ़िक्र के आदमी थे जिसके यहाँ इंसान क्या है, कायनात क्या है, कायनात ठीक भी बनी है या नहीं, इसमें गड़बड़ कहाँ है, और ये सवाल उठते थे। सफ़ेद परचम, ये उनका परचम था जो शिकागो के चौक में जमा हो रहे थे। सफ़ेद परचम, सफ़ेद परचम एक खिताबत का संदाज है, खिताबत एक नज़म की इब्तदा, एक नज़म का इर्तका और फिर उसे ख़त्म करने का एक अंदाज़। ये जाने लिया कि हाँ, इसे हम कहते हैं जैसे अफसाने भी, वो हेनरी के अफसाने या मिंटो के अफसाने या मोपसा के अफसानों में हम देखते हैं कि एक ख़ास तरीक़ा उसको उठाने का है और एक ख़ास तरीक़ा उसके इख्तिताम को, इख्तिताम के ऐलान तक आता है। लेकिन गज़लें उनकी इस लिहाज से बड़ी मुनफरद हैं कि गज़ल को उन्होंने माशूकों से गुफ्तगू करना नहीं रखा, बड़ी बरहमी भी है, बड़ी जांगुदाख्तगी भी है, बड़ी खुदसोजी भी है। ये कोई बहुत गज़लों से गुफ्तगू करने का काम नहीं है उनकी गज़ल। उनकी गज़ल में वो सारे मज़ामीन नज़मों से बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ नज़र नहीं आती अक्सर। तो उन्होंने गज़ल को गज़ल कह के नहीं लिखा, बल्कि गज़ल कहते वक्त भी उनके यहाँ बाज़ गज़लें उनकी मुसलसल हैं। और ये जान लिया की खूबी है कि वो मुसलसल गज़ल में जो एक तसलसल का पहलू है उससे क़ारीन में एक इश्तियाक पैदा करते थे कि अभी आइंदा शेर में क्या क्या कहने वाले हैं, महबूब से नहीं बल्कि अपनी बेचैनी का इजहार ये किस पैराए में करेंगे अब अगले शेर में। तो जो महबूबों से गुफ्तगू करने का फ़न था वो उन्होंने गज़ल कहने के फ़न में ढाल दिया। जॉन की शायरी जो है वो बड़ी इंटेलेक्चुअल शायरी है। हमारे यहाँ इंटेलेक्चुअल शायरी गालिब के यहाँ तो मिलती है, बल्कि गालिब ही के यहाँ इंटेलेक्चुअल शायरी का ज़माना शुरू होता है। इसलिए मैंने कहा कि मीर को गाने वाले भी मिल जाएंगे, गालिब को गाने वाले नहीं मिलते। और अगर मिलते हैं तो हम देखते हैं कि उनके यहाँ अपनी सी कोशिशें होती हैं गज़ल गा सकने की, गालिब उनको हेल्प नहीं कर रहे होते हैं। जान को भी गाया जाना बहुत मुश्किल है, इसलिए कि बेजारी की थीम को और नुक्ता आफरीनी की थीम को गाना गालिबन मुश्किल ही होगा हर दौर में। नतीजे में बहुत कम आपने गज़लें सुनी होंगी जॉन की, बहुत कम गज़लों को गाते हुए सुना होगा लोगों को। उसकी बहुत अंदरूनी वजूहात थी, गज़लों के अंदर वजूहात थी कि हमें नज़र आता है। मेरा तो ख्याल ये है
कि जो मैंने पंजाब के नए शायरों में देखा है, इस वक्त 10-12 शायर ऐसे हैं जो जॉनेलिया से काफ़ी मुतासिर हैं। उनमें